अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? इस बारे में अक्सर जो है वो लोग पूछते हैं, जो टॉपिक आज हमने आपके साथ चूज़ किया बात करने के लिए, उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। ना सिर्फ मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, आप सबके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, ख़ास तौर पर वो जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो जो है इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे लेक्चर जो हैं वो इस हवाले से भी इस पे पढ़े हैं कि आप पेपरों की तैयारी भी कर सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स की। और आज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है उसका सेक्शन 26 जो है वो ये कहता है कि मीटर जो है बिजली का वो कंज्यूमर की प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर हाई कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग्स भी मौजूद हैं और मीटर जो है वो वापडा वाले नहीं उतार सकते। और इसकी रीजंस और इसके हवाले से जो फैक्ट्स हैं उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्यों हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया, क्यों ला बना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में भी जो मौजूद है तो इसके ऊपर साइटेशंस भी बहुत सारी आई। सबसे पहली बात तो ये कि पुराने दौर में जो लोग घर बनाते थे वो इस तरह से बनाते थे कि उसमें वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम होता था, हवा का गुजर होता था, रोशनी का ख्याल रखा जाता था। लेकिन आजकल जो है वो इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा है कि पॉसिबल नहीं होता कुछ लोगों के लिए, बहुत ज़्यादातर लोगों के लिए, कि वो ज़्यादा जगह जो है वो 5 मरले से ज़्यादा का घर बनाना ज़्यादा बहुत मुश्किल है। शहर में एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है, लोग ग्राउंड फ्लोर पे, बेसमेंट में, इवन सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे भी जो है वो रहायश रखे हुए हैं। तो फ्रिज होती है, उसके अंदर बीमार लोग होते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, जिनकी मेडिसन्स जो हैं, ड्रिप्स, सिरप और बहुत मुख्तलिफ अशिया जो हैं फ्रिज के अंदर पड़ी होती हैं। अगर आप लाइट ऑफ करते हैं उनकी तो जो है वो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम बनती है, मेडिसिन जो है वो ख़राब हो सकती है, इसके अलावा सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। और जब वापडा में मीटर लगवाने के लिए कोई भी कंज्यूमर जो है वो एप्लीकेशन देता है तो वो एक डिमांड नोटिस पे करता है। एक्चुअली वो जो जिसको हम खंबा बोलते हैं वहाँ से लेकर जो है वो मीटर जहाँ पे लगाना है वहाँ तक की एक तार आती है, वो उस तार की और मीटर की जो है वो कीमत पे करता है। तो देखें, अब अगर एक बाइक है मेरी, मेरी ये ग्लासेज है जो मैंने पहनी हुई है, जब ये इसकी मैंने कीमत अदा कर दी तो फिर कोई इसको आके क्यों उतारे? ठीक है, बिजली का मीटर कंज्यूमर की प्रॉपर्टी है, वो कतई तौर पर भी वापडा को काटने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, अगर कोई काटता है तो यहाँ तक भी कि आप उसके खिलाफ इस्तगासा कर सकते हैं। वापडा के अहलकारों के खिलाफ FIR भी हुई है इस चीज़ पे, चोरी की भी हुई है, दूसरी भी हुई है। तो बिजली का मीटर आप वापडा वाले हजरात को भी चाहिए कि वो ना काटें। एक्चुअली हाई कोर्ट ने इस पे ही आर्डर किया था कि आप खंबे से पीछे से जहाँ से आपका लाइन आ रही है, अगर कोई बंदा डिफाल्टर है, पेमेंट पूरी नहीं कर रहा, बिल वक्त पर अदा नहीं कर रहा, तो वापडा वालों को खंबे से उसकी लाइन काटनी चाहिए। मीटर बिजली का काट कर नहीं ले जा सकते क्योंकि मीटर बिजली का कंज्यूमर की प्रॉपर्टी होता है, उसकी उसने कीमत अदा कर दी होती है। अब दूसरी सिचुएशन है कि उनके पास ये एक बोलने का इख्तियार है, उनके पास ये रीज़न होती है कि जी ये बिजली चोरी करता रहा है, हमने इसकी लेबॉर्टरी करवानी है, तो उसके लिए भी एक थ्रू एक प्रॉपर चैनल उनको आना चाहिए, प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ जो है वो वकील होने के नाते मैं समझता हूँ कि अगर आपका किसी का मीटर वापडा वालों ने काटा तो आप उनके खिलाफ़ दरख्वास्त दें, मेरे से रब्ता करें, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मुझसे बात कर सकते हैं। पेमेंट कोशिश करें कि आप वक्त पर करते जाएं बिल की, लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं भी की तो आप वापडा वालों को मीटर मत काटने दें। फौरी तौर पर अगर आप किसी वकील से बात करें, फौरी तौर पर पुलिस में जाके थाने पे एप्लीकेशन दें, आप उनको दो चार बातें ही बताएंगे तो उनके इलम में आ जाएगी कि यार ये बंदा तो सारा कुछ जानता है, इसका मीटर अगर हमने काटा तो हमारे ऊपर इस्तगासा या FIR होने का भी डर है। तो मीटर जो है वो वापडा वालों को नहीं काटना चाहिए। अब दूसरी सूरत यह हाल ये है कि वापडा के अहलकार रिश्वत लेकर जो है वो पैसे लेकर जो है वो गलत रीडिंग भी डालते थे पुराने वक्त में, लेकिन अब तो बड़ा अच्छा सिस्टम आ गया, तस्वीर बना के साथ में वो अपलोड करते हैं मीटर की, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर फिर भी क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से अगर आपने इस्तेमाल किया है 2600 रुपये का या 3600 रुपये का और आपका बिल 1,36,000 आ गया है कंप्यूटर की मिस्टेक की वजह से या किसी और मिस्टेक की वजह से, तो फौरन आप जो है आपको वकील से रब्ता करें, वकील साहब आपको जो है वो सिविल कोर्ट में केस फाइल करते हुए जो है वो स्टेटस को करवा देंगे। उसके बाद वापडा वाले आपका मीटर कतई तौर पर भी नहीं काट सकते। अगर वो काटने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग भी स्टार्ट होगी और FIR भी होने के चांसेज हैं, उसमें इसके अलावा इस्तगासा भी फाइल हो सकता है। इसके अलावा एक रिसेंट जजमेंट आई है, वो उसके बारे में मैं बताऊँगा तो नहीं आपको इस वीडियो में,
और बड़ी फेमस है वैसे जजमेंट वकला हजरात को तो पहले ही पता होगा कि वापडा की चोरी अगर साबित भी हो जाए कि कोई बंदा बिजली चोरी कर रहा था तो उसके ऊपर वापडा के अहलकार जो हैं वो FIR नहीं दे सकते, उन्होंने एक इस्तगासा या प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करनी है आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन। अगर कोर्ट समझेगी तो फिर जो है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कानूनी तौर पर होगी, इस्तगासा एडमिट होगा, एडमिट होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मज़ीद अगर आप कोई बात पूछना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे वीडियो सॉरी ऑडियो कॉल जो है वो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या वॉइस नोट छोड़ सकते हैं, और कोशिश करें कि एक प्रॉपर टाइम पे कॉल करें, और इसके अलावा जो मैं कहता हूँ वो बात फिर सुने। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।